ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों खास है और क्यों इतनी हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में? वेल, जबकि पहले से ही इंडियन मार्केट में एथर 450X, बजाज चेतक, TVS IQ जैसे बड़े प्लेयर मौजूद हैं। इसका राइट आंसर है सॉल्यूशन, क्योंकि ओला लेकर आया है ऐसा स्कूटर जो अब लगभग हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, लाइक रेंज, चार्जिंग स्टेशन, कॉस्ट, प्राइसिंग। इन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप और मैं तो ओला को एक टैक्सी शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं, उनमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है स्कूटर बनाने की, इसलिए ओला ने पिछले साल डच बेस्ड कंपनी इटरगो को एक्वायर किया था और वही इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओला अब रीबैज वर्जन ओला स्कूटर के नाम से इंडियन मार्केट में उतरेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें डिज़ाइन की, तो इटरगो का हमसकल भाई है, यानी बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है, जिसके फ्रंट में ड्यूअल LED हेडलाइट विथ DRL सेटअप मिलेगा और बाकी डिज़ाइन एकदम सिंपल, क्लीन और मिनिमलिस्टिक रखी गई है, जिससे ये वेल प्रपोर्शन और सुपर फील लगता है और इसमें 10 कलर के डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। और अब देखते हैं इसकी फीचर लिस्ट। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी 7 इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसमें नेविगेशन, जियो फेंसिंग, म्यूजिक, रेंज, स्पीड और बैटरी कैपेसिटी दिखाएगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फीचर है इसका अंडर सीट स्टोरेज, इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है और इसके साथ आगे पीछे 12 इंच के अलॉय व्हील और फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ आती है नई वाला स्कूटर। एक इसका सबसे बड़ा पॉइंट जिस पर ओला स्कूटर का दारोमदार ज़्यादा है, इसकी रेंज, इसमें 3 kW की बड़ी बैटरी पैक मिलती है जो प्रोड्यूस करती है तकरीबन 6 kW का पीक पावर, और यानी तकरीबन 8 BHP पावर और 50 Nm का पीक टॉर्क, जो कि लाजवाब है। और इसके नीचे कन्वेंशनल फिक्स बैटरी पैक सेटअप मिलेगा और इसमें 3 अलग अलग वेरियंट रहेंगे, जो सबसे बेस वेरियंट है वो S, फिर S1 और टॉप एंड S1 प्रो ट्रिम, जिसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर होगी एक बार फुल चार्ज करने पर। ये 0 to 45 इन जस्ट 3.9 सेकंड में कर लेती हैं, जो इसकी क्लोजेस्ट राइवल यानी एथर 450X से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये 150 किलोमीटर रेंज के साथ बन जाएगा इंडिया का सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो इसके सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहेगा। और इसकी टॉप स्पीड अराउंड 80 to 90 km/h रहेगी। और अब बात करते हैं इसके चार्जिंग की, तो क्लेम टू ओला, इसको आप ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन से 50% इन जस्ट 80 मिनट्स में कर पाएंगे, जो 75 किलोमीटर की रेंज देगा। तो ओला ने कहा है कि वो इनिशियली पहले साल में 5,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएगा 100 सिटीज़ में, और बाद में 1,00,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएगा 400 डिफरेंट सिटीज़ में। और अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, जिसकी वजह से ओला स्कूटर हर रोज़ सुर्खियों में बना रहता है। तो ओला तमिलनाडु में दुनिया के सबसे बड़ी 2-व्हीलर प्रोडक्शन मेगा फैक्ट्री बना रहे हैं, जो इस साल के एंड तक तकरीबन तैयार हो जाएगी और जो 500 एकड़ में फैली है, और इसमें 100 एकड़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जाएगा, यानी जीरो पोल्यूशन के साथ जीरो एमिशन और नेचर का भरपूर ख्याल। और इस मेगा फैक्ट्री में 3,000 से भी ज़्यादा रोबोट और फुल्ली AI प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी, जो अपने पीक पर एक साल में 1 crore स्कूटर बना सकते हैं। ये नंबर्स होंडा और हीरो मोटोकॉम जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ज़्यादा हैं, यानी हर 2 सेकंड में एक स्कूटर ओला बना सकती हैं, जो कि ओला के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर मास वॉल्यूम प्रोडक्शन करके पर यूनिट कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। और आखिरी और अंतिम सवाल, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 90,000 से 1,20,000 तक एक्स शोरूम हो सकती हैं, और ये वेरी करेगा अलग अलग मॉडल्स के लिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके इनिशियली शोरूम्स और सर्विसिंग का क्या? तो इसके लिए ओला ने एक अनोखी स्ट्रेटजी अपनाई है, वो है डायरेक्ट सेलिंग यानी होम डिलीवरी, जिसमें आप ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे और आपके घर पर स्कूटर आ जाएगा। और यही नहीं, ओला अपने एक्सपीरियंस सेंटर भी खोलेगा डिफरेंट सिटीज़ में, जहाँ आप स्कूटर को फील और उसके टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। और आपकी ओला स्कूटर की सर्विसिंग भी आपके घर पर ही होगी, ओला का टेक्नीशियन आएगा और आपकी स्कूटर की सर्विस करेगा। और इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि इसमें लेस कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इन सभी खूबियों के कारण ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खास है, जहाँ ओला के पास लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन, चार्जिंग स्टेशन और बेस्ट इन क्लास स्कूटर बनाने का एडवांटेज है, जो इसके राइवल्स के पास नहीं है। और आपकी क्या राय है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।